व्यक्ति के उत्साह समर्पण का परिणाम है, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। श्री हेमंत व्यास जी, प्रवीण जैन, सुशील शर्मा, रमेश राय, संतोष अजमेरी, सुधीर मेहता, अशोक मालवी, नागर समाज, महेश्वरी समाज, मारवाड़ी समाज, अन्य समाज, पंडित रमन त्रिवेदी जी, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। देश के ख्यात संगीतकार जो लगातार हमारे साथ कथाओं में चलते हैं, श्री सरल ज्ञानी जी, श्री बाबूलाल सूर्यवंशी, श्री विशेष ठाकुर हमारे साथ बैठे हुए हैं, शरद माथुर जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, यादव जी, मैं सबका अभिनंदन नमन करता हूँ। मीडिया, आप सबका बहुत आभार, बिना मीडिया के सहयोग के काम नहीं होता। हमारे लाइट और साउंड वाले, इनसे तो, इनके बिना तो मेरा तो रोज का ही धंधा ही है, मतलब ये प्राण ले लेते हैं अगर इनका खराब हो। और सबसे बड़ा अभिनंदन तो मैं आप श्रोताओं का करता हूँ। आज हमारे बीच ऐसे ऐसे श्रोता हैं जिन्होंने बड़ा प्रेम दिया है। हमारे मध्य प्रदेश शासन के मंत्री श्री पारस जी यहाँ बैठे हुए हैं, अग्रवाल जी बैठे हुए हैं, अनेक गणमान्य हैं। इस कथा के विचार के पीछे पारस जैन साहब भी, जब मैंने उनसे कहा था तो उन्होंने कहा था कोई यजमान नहीं बने तो मैं तैयार हूँ। ऐसे ऐसे लोगों के सद्भाव से कथा पूरी होती है। इस कथा के साथ मेरा एक और सौभाग्य जुड़ा है। आज इस कथा के श्रवण में वो लोग भी हैं जो मेरे लिए मेरे माता पिता तुल्य हैं। मेरे काका जी डॉक्टर विष्णु शंकर मेहता जी, मेरी काकी श्यामा मेहता जी, मेरी काकी कृष्णा मेहता जी। कोई बालक अपने माता पिता को कथा सुनाए, उस दिन उसका सौभाग्य चरम पे होता है। और मैं अपनी अर्धांगिनी आभा मेहता जी का भी अभिनंदन करता हूँ, जिनके कारण मैं अपने इस अभियान को गति दे सका हूँ। और सबसे अधिक आभारी तो मैं आप सबका हूँ। अगर इन श्रोताओं का प्रेम नहीं मिलता, वक्ता का कोई प्रभाव नहीं होता, सज्जनों देवियों इस भ्रम को दूर कर लेना, वक्ता की कोई वाकपटुता नहीं होती, वक्ता की अपनी कोई योग्यता नहीं होती। जिस दिन श्रोता का प्रेम बहता है, जिस दिन श्रोता का आशीर्वाद बरसता है और जिस दिन आपकी अपेक्षाएं खड़ी हो जाती हैं, उस दिन वक्ता के शब्द निकलते हैं। मैं आपको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। समय बीत गया, 7 दिन कैसे गुजर गए पता नहीं लगा। मेरी वाणी से, मेरे आचरण में कोई दोष रहा हो, मैंने कोई ऐसी बात बोल दी जो आपके गरिमा के अनुकूल नहीं है, मैं मनुष्य हूँ, मुझसे कोई ऐसी आचरण में ऐसी भूल हो गई हो जो समूचे उज्जैनी नगर की गरिमा के अनुकूल न हो, मैं आपसे करबद्ध क्षमा चाहता हूँ। और फिर कभी ऐसे ही हम मिलें तब आप मुझे ज़रूर पहचान जाइएगा, और उसका एक ही तरीका होगा, ज़रा मुस्कुराइएगा फिर पहचानिएगा। मैं इस व्यासपीठ से जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, हेमंत व्यास जी, शैलेंद्र व्यास जी, सुधीर मेहता जी, पुष्कर जी, उनसे निवेदन करता हूं आगे की कार्रवाई करें, लेकिन तब तक आप लोग धैर्य से बैठिए। 10 मिनट में सब कुछ, 8:30 बजे आप बिल्कुल बाहर होंगे, और आज तो मौन के साथ बाहर जाइएगा। तो बोलिए हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान। बाल कृष्ण भगवान की, भागवत भगवान की जय। हरिओम। समुद्र के हर सीप में मोती नहीं होता, ऊंचे झरनों में कभी शोर नहीं होता, भागवत कथा के आयोजन तो बहुत होते हैं हिंदुस्तान में, लेकिन पंडित मेहता जैसी भागवत कथा का आयोजन कहीं नहीं होता। सज्जनों देवियों, एक छोटा सा निवेदन कर रहा हूँ, एक वैष्णव भूल हो गई, हमारी मूल पाठ कर रहे विप्रगण श्री पतंजलि कुमार पांडे जी का भी मैं अभिनंदन और वंदन करता हूँ, जिनके कारण हमने मूल पाठ सुना। पंडित विजय शंकर जी मेहता साहब का जीवन सर्वे भवन्तु सुखना पर आधारित है, और आपके आचार विचार और संस्कारों की त्रिवेणी ने हम सबको आनंद के सागर में अवगाहन कराया है। महाकाल प्रबंध समिति द्वारा पंडित मेहता साहब का विशिष्ट अभिनंदन यहाँ पर किया जा रहा है। मैं सर्वप्रथम अनुरोध करूँगा माननीय श्री पारस जी जैन साहब, श्रीमती पारस जी जैन, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मध्य प्रदेश शासन, पंडित प्रदीप गुरुजी, पंडित गोविंद गुरुजी, हमारे मध्य उज्जैन शहर को रचनात्मकता प्रदान करने वाले पूर्व कलेक्टर IAS माननीय अजात शत्रु श्रीवास्तव साहब भी आज यहाँ पर पधारे हैं, और इसी क्रम में अनुरोध है श्री जगदीश जी अग्रवाल साहब, श्री अनिल जैन कालूहेड़ा नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, और आपसे अनुरोध है कि कृपया मंच पर पधारें और
आप सबकी साक्षी में माननीय विजय शंकर जी मेहता साहब का स्वागत करें, अभिनंदन करें, दिले इस्तकबाल करें, सत श्री अकाल करें। असल में तालियां वो नहीं बजाते हैं जिन्हें दूसरों के अभिनंदन का गम होता है, और तालियां तो वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। श्री जयंत जोशी साहब ने इस कथा में अपनी विशिष्ट भूमिका निर्वहन की है। मैं अशोक जी तल्लेरा और श्रीमती संगीता तल्लेरा जी से भी अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पर पधारने की कृपा करें। श्री पारस जी जैन साहब हमारे उज्जैन शहर के लोकप्रिय विधायक और मध्य प्रदेश शासन के खाद्य मंत्री हमारे मध्य मौजूद हैं और अपनी भावनाओं के आस्था के पुष्प और अभिनंदन पत्र भेंट किया जा रहा है। पंडित प्रदीप गुरु जी, गोविंद जी शर्मा साहब, अजात शत्रु साहब से भी अनुरोध है कृपया वे पधारें। हमारे मध्य महर्षि पंडित रमन त्रिवेदी जी भी मौजूद हैं, वे भी सपत्नीक मंच पर पधारें। कहा जाता है कर्म की क्यारी में प्रगति के फूल खिलते हैं। आसान नहीं होता है उपलब्धियां हासिल करना, और उपलब्धियां कोई मणिमुक्तक नहीं होते हैं, जिन्हें धूल से उठाया, मस्तक पर लगाया और वे सिर का ताज बन जाते हैं। पुनः एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्रीमती आभा मेहता जी भी हमारे बीच मौजूद हैं, मैं आपसे भी अनुग्रह करूंगा और सबसे अनुरोध है कृपया क्रम से आप सब यहां आते जाएं। कुछ देर कृपया मौन साध कर रहें और अभी आनंद की सृष्टि और वृष्टि का महा आनंद यहां से प्रवाहित होगा। आप सबसे अनुरोध है कृपया आप यहीं पर विराजित रहें। और इसी क्रम में हमारे मध्य श्री एम श्रीमती रूप पमनानी जी भी मौजूद हैं, जिला एम सत्य न्यायाधीश श्री जी पी गुप्ता साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपसे भी आग्रह करूँगा कृपया पधारने की कृपा करें। सनाड्य हितकारिणी सभा उज्जैन के द्वारा माननीय मेहता जी का विशिष्ट अभिनंदन किया जाएगा। जो भी यहाँ पर विशेष अभिनंदन करना चाहते हैं कृपया वे अपने नाम की पर्ची यहाँ तक पहुँचा दें ताकि उन्हें सम्मानपूर्वक यहाँ पर आमंत्रित किया जा सके। फूल खिलकर उदास है, समंदर को भी आज पानी की प्यास है, कृपया एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, भगवान को भी आपकी मुस्कुराहट की आस है। श्रीमती आभा मेहता जी का भी विशेष अभिनंदन आज यहाँ पर किया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि किसी की भी प्रगति के पीछे यदि कोई होता है तो उसकी भार्या होती है, पत्नी होती है। श्रीमती आभा मेहता जी स्वयं बैंक में, भारतीय स्टेट बैंक में अधिकारी के रूप में कार्यरत। 21,000 रुपये माननीय मेहता जी साहब, विजय शंकर जी साहब मेहता की प्रेरणा से प्रदान किए जा रहे हैं। निवेदन है श्री अजात शत्रु साहब से भी अनुरोध है कृपया वे भी आरती के लिए पधारे, लेकिन उसके पूर्व माननीय जयंत जोशी साहब कृपया आगे की ओर आए। पंडित विजय शंकर जी मेहता साहब की प्रेरणा से उनके पुत्र योगव्रत मेहता और इस संपूर्ण आयोजन के सूत्रधार श्री पुष्कर जी बाहेती द्वारा 21,000 रुपये की राशि महाकाल मंदिर के लिए प्रदान की जा रही है। कृपया एक बार जोरदार तालियों से इस दान के लिए अपनी उपस्थिति का आभास कराएं। और अब आरती प्रदान की जाएगी यहाँ पर भागवत कथा की। माननीय पारस जी जैन साहब, माननीय अजात शत्रु श्रीवास्तव साहब, श्री जगदीश जी अग्रवाल साहब पूर्व अध्यक्ष भाजपा, श्री अनिल जैन कालुवेड़ा जी, श्री अशोक जी तल्लेरा, श्रीमती संगीता तल्लेरा, श्री प्रदीप जी गुरु, श्री पंडित प्रदीप, श्री गोविंद जी शर्मा, पंडित सत्यनारायण जी शर्मा साहब, श्री एम श्रीमती रूप पमनानी, श्री जयंत जी जोशी, श्री जगदीश जी राठी, आप सभी से अनुरोध है कृपया पधारें। और हमारे कलाकार आज की इस महा आरती में अपने शब्दों की, संगीत की, ध्वनि की भूमिका प्रदान करें। केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदर।
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सबका भला करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, या अभिलाषा हम सबकी सो भगवान पूरी हो, सो भगवान पूरी हो।